तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर जब आप पूरी जानेंगे उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भारत द्वारा इसराइल से दोस्ती निभाने के लिए आपने एक बहुत बड़े फायदे को सिरे से ठुकरा दिया है, जिसमें भारत अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकता था। अकेली इस न्यूज से भारत, ईरान, रशिया, चाइना, अमेरिका, इसराइल सबका संबंध है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वर्ष 2018 जब ईरान का तेल फुल फ्लेश क्वांटिटी में इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध हुआ करता था, क्योंकि उसके बाद फिर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं अमेरिका द्वारा। लेकिन 2018 की बात की जाए तो ईरान पूरी कैपेसिटी के साथ अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पाता था और उस दौरान भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ईरान से ही खरीदा करता था, अपनी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल। इवन कई बार ये आंकड़ा 60% से ऊपर भी पहुंच जाया करता था। हालांकि आज की स्थितियां देखी जाए तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग चुके हैं, काफी लंबे समय से प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत द्वारा ईरान से तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर दी है और ईरान को रिप्लेस कर दिया है हम लोगों ने रशिया से। रशिया जो कि इस समय भारत को प्रति बैरल $4 से $5 का डिस्काउंट दे रहा है, अपनी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल रशिया से ही आ रहा है और पर डे के हिसाब से 1 मिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से पर डे खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात है कि ईरान का तेल 2018 के बाद इस समय सबसे ज्यादा बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और इसके पीछे चालसाजी की है चाइना द्वारा और इसी तरह का एक ऑफर ईरान द्वारा भारत को भी दिया गया था, लेकिन भारत ने इस ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। देखिए हम सभी जानते हैं कि ईरान वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि वेनेजुएला के ऊपर से अस्थायी तौर पर प्रतिबंध जरूर हटा लिया गया है, लेकिन वो ईरान की श्रेणी का ही लगभग देश माना जाता है अमेरिका की नजरों में और उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब चाइना दरअसल दोस्तों यहाँ पर बैकडोर से ईरान का तेल और वेनेजुएला का तेल खरीद रहा है, जिससे कि ईरान को, वेनेजुएला को और चाइना को तो बहुत फायदा है ही है, क्योंकि काफी बड़े डिस्काउंट पर ईरान और वेनेजुएला चाइना को तेल प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जितना डिस्काउंट रशिया शुरुआती चरणों में भारत को दिया करता था लगभग $20 प्रति बैरल का, वो डिस्काउंट चाइना और वेनेजुएला द्वारा चाइना को दिया जा रहा है। तो चाइना भी ताबड़तोड़ तरीके से तेल की खरीद ईरान से कर रहा है और बताया जा रहा है कि 2018 के बाद ईरान का क्रूड ऑयल इस समय सबसे ज्यादा तेजी से बेचा जा रहा है। इसके पीछे चाल ये चली गई है कि ईरान का तेल डायरेक्टली ईरान का बताकर न खरीदा जाए, बल्कि इसे मलेशिया के तेल के मिश्रण के तौर पर खरीदा जाए। यानी ईरानियन तेल मलेशिया के फ्लैग तले खरीदा जा रहा है चाइना द्वारा, जिसमें कुछ मात्रा में वो तेल भी मिश्रित कर दिया जाता है जो कि मलेशिया के अंदर उत्पादित होता है। और इस तरह से सैंक्शंस को बाईपास करते हुए $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट लेते हुए चाइना बड़ी मात्रा में ईरानियन तेल खरीद रहा है, जिससे कि उसने रशियन तेल की खरीद कम कर दी है, जिससे रशिया को तगड़ा नुकसान हो रहा है। तो अल्टीमेटली काफी इनलीगल सा मूव है ये, लेकिन चाइना द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक ऑफर ईरान द्वारा भारत को भी दिया गया। बताया जा रहा है कि दुबई में कुछ व्यापारियों द्वारा भारत की जो सरकारी रिफाइनरीज है, जिसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इन सबको डिस्काउंटेड रेट पर ईरानियन तेल ऑफर किया गया मलेशियन तेल के मिश्रण के तौर पर। एंड अगर भारत ये ऑफर को मान लेता है तो भारत को भी लगभग $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही रशियन तेल की तुलना में इसको लाने में ट्रांसपोर्टिंग भी भारत को न के बराबर लगेगी। लेकिन इसके बावजूद भारत द्वारा ईरानियन तेल को इनकार कर दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो कारण है इजराइल। इस समय की बात की जाए तो ईरान इनडायरेक्ट वे में इजराइल के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में स्थितियां काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो चुकी है मिडिल ईस्ट में कि किसी भी समय ईरान का एक फुल फ्लेज वॉर भी हो सकता है अमेरिका और इजराइल के साथ। अब अगर इन परिस्थितियों में भी भारत ईरान से तेल खरीदता है और ईरान को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने की कोशिश करता है तो ये सरासर नाइंसाफी हो सकती है इसराइल के साथ, और इसी वजह से भारत ने इस तरह की चीजें करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि ईरान जो है वो FATF में ब्लैक लिस्टर है और FATF की अगर बात की जाए तो वो दो मेन चीजों के ऊपर काम करता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेररिज्म। अब अगर हेरफेर करके ये तेल खरीदा जाता है और उसके बदले भारतीय करेंसी दी जाती है और उसका ट्रांजेक्शन बड़े लेवल पर ईरान के साथ किया जाता है तो FATF की तलवार भारत के सिर पर भी लटक सकती है। इन सब कारणों को देखते हुए भारत द्वारा इस ऑफर को इनकार कर दिया गया। लेकिन सोचिए अगर ये ऑफर हम लोग स्वीकार कर लें और ईरान का कच्चा तेल डिस्काउंटेड रेट पर भारत लाना शुरू कर दें तो इससे भारत को लगभग 2 गुने तक मुनाफा हो सकता है। एक तो $20 तक का डिस्काउंट ऑलरेडी दिया जा रहा है, ऊपर से ट्रांसपोर्टिंग भी लगभग 1/4 बड़ी मुश्किल से लगेगी, तो हर हाल में हमें $25 से $30 प्रति बैरल तक बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत द्वारा एटलीस्ट इस परिस्थिति के लिए ईरान को इनकार कर दिया गया है। अब भारत के इस फैसले पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।